और यहाँ देखो सर, सात लोग एक सीट पे। अरे सर आप एसी मत बढ़ाइए, आप जनरल और स्लीपर बढ़ाइए। आम जनता के पास इतना पैसा नहीं है कि आदमी एसी में ट्रैवल करेगा। सो ये वाली रोड जसर रोड है भैया, यहाँ उतर के आप सीधा कोलकाता निकल सकते हो, वो आर्टिकल है। सो भाई आज ट्रैवल कर रहा हूँ 12357 में, कोलकाता अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस। काफ़ी बढ़िया ट्रेन है यार, टिकट तो मैंने गया तक का लिया है, अरे सासाराम तक का लिया, देखता हूँ कहाँ तक जाता हूँ। अगर रिटर्न टिकट कन्फर्म हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर देखेंगे सर, जहाँ तक भी होगा। आप भगा के मत देखना, आप धीरे धीरे देखो तो अच्छा है। और मैं पहले जनरल में ही ट्रैवल करा करता था, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब बाबा मेहरबान हो गए तो मैं अब थ्री टायर में जा रहा हूँ, फर्स्ट क्लास में जा रहा हूँ। भगवान का कृपा है, यूट्यूब बाबा ने तो ऐसा दिया है कि आप स्लीपर तक जा सकते हो, सच बता रहा हूँ। पर थ्री टायर नहीं, थ्री टायर भगवान का कृपा है और थोड़ा सा मेहनत है, बस दैट्स इट। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, इफ नॉट प्लीज ट्राई टू मेक इट आउट बिकॉज नथिंग इज पॉसिबल। तिरंगा उधर लहरा रहा है, घुमाला है, ज़्यादा उसको दिखाऊंगा नहीं, बस चलो। Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see when I could hardly walk on. 12357 भाई, दुर्गियाना एक्सप्रेस। गाड़ी काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा नहीं, सबसे अच्छा है अमृतसर जाने के लिए। और ये क्या, इसको रेल बजट में दुरंतो बोला गया था, पर चलो आम आदमी के लिए निकल गया दुर्गियाना एक्सप्रेस। और वो जो थ्री टायर था उसके लिए 1950 देना पड़ेगा आपको अमृतसर जा रहे हो, और इसके लिए भाई साहब आपको कम से कम 750 मान के चलो, ये अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, टैक्स वैक्स ले के जो रेलवे लेता है आपसे जब आप वाया ICTC बुक करते हो, काउंटर से करोगे तो एकदम डॉट सेट 740 पड़ता है, और जिसमें जनरल में मैं जा रहा हूँ उसका सेट 540 के आसपास है। तो इसमें आगे जनरल स्लीपर थ्री टायर टू टायर तो काफ़ी अच्छा है। तो 12:10 पे यहाँ से डिपार्चर है, दो दिन है, मंगलवार शनिवार, जैसे और अगले दिन आपको शाम को 5:20 पे अमृतसर, 29 घंटा 10 मिनट का, काफ़ी बढ़िया ट्रेन है, इसलिए बता रहा हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि स्टॉपेज कम है और इसका जो रन है एकदम ऑलमोस्ट राजधानी के बराबर है टिल मुगलसराय तक, उसके बाद तो ऑफकोर्स लखनऊ लाइन। आठ AC है जिसमें थ्री टायर कितना होगा, 5, 6 थ्री टायर है इसमें, 2 टायर है, फर्स्ट क्लास नहीं है, 2 टायर में जाओगे 2800, इसका 540, और ये D1 है जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। वैसे लोगों के काफ़ी पास में हो, एकदम पास, और ये गेट काफ़ी बड़ा लग रहा है इसमें आओ तो, बस यही है भाई, चार्जिंग सॉकेट इस तरफ में शायद एक है, दैट्स इट, और उस तरफ में एक चार्जिंग सॉकेट है, और हम लोग को सीट यही मिला, लोअर मिडिल मिडिल, दैट्स इट, ये साइड आयल नहीं मिला तो ठीक है भाई, पसीना से तो अभी से हालत ख़राब हो रहा है, चलो ट्राई करते देखें कैसा होता है, और ऊपर देखो फिनिशिंग सही है, ख़राब नहीं, अच्छा है। देखो तो बोला ना यार, जनरल का शुरुआती ऐसा होता है, कोई तेल गिरा के चला गया, इतना तेल मतलब उड़ी तान रहे थे यहाँ पे भाई साहब, ऐसा लग रहा है। अगर जनरल का वॉशरूम का बात करें तो यहाँ साफ है और डिज़ाइन भी अच्छा है, तो छोड़ दो, लिक्विड सोप नहीं होता इसमें, आपको एक टैप मिलेगा, दैट्स इट, बस पानी आना चाहिए यही मैं मानता हूँ, और आ भी रहा होगा वो भाई साहब जो बुई बोलो यार, पूरा हाथ तेल तेल हो गया यार, मतलब सोचो कितना तेल था उसमें। चलो देखो यार, मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि जनरल में ट्रैवल करना इंसान का मजबूरी होता है, ऐसा मजबूरी तो है, पर ये आपका मतलब साफ़ सफाई रखना आपका भी है काम, और एटलीस्ट रेलवे का भी ये है सर, हाँ मैं कि साफ़ सफाई रखे, मैं क्या बोलता हूँ नहीं है साहब, ट्वीट करो, अभी मैं भी मारूंगा 2-3 ट्वीट, देखो क्या होता है। चलो पीस चौस अभी सो हैप्पी जर्नी, और लोग लोग तो दौड़ रहे होंगे अभी भी, हॉकिंग बहुत भयानक आने वाला है जर्नी में, एक बात तो सच है, D1 लेने का ही रीज़न था, हॉकिंग बहुत अच्छा आएगा, बाकी देखते हैं। और ये जो हो रहा है इग्नोर कर रहा है, पसीना तो होगा ही भाई, गर्म का टाइम है, ऊपर से जनरल, I had you home,
ये वाला आपको दुरंतो है, ऑफ कोर्स आप समझ रहे कौन सी है, अपनी सियाला बीकानेर जो पहले न्यू दिल्ली हुआ करती थी। तो जनरल का कुछ ऐसा इंटीरियर है, आपको बढ़िया से दिखा देता हूँ। इस बार एक चार्जर, एक उधर चार्जर, जैसे यहाँ पे आप सो सकते हो, पर ये सीट किसी का नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ये सीट अगर रेलवे के हिसाब से यहाँ पे सामान रखने का आपकी इच्छा, बहुत लोग यहाँ पे आके सोते हैं, बहुत लोग तो वहाँ पे भी सोते हैं। तो यही है जनरल में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अपना चप्पल जूता का खुद का ख्याल रखिए, क्योंकि हमको याद है जब हम जनरल में ट्रैवल किया करते थे तो हम अपना जूता वहाँ रखते थे। आप भी रखते हो कि नहीं रखते हो मालूम नहीं, रीज़न ये है जानता हूँ ख़राब आदत है, पर मजबूरी होता है क्योंकि मैं भी कोई लेके भाग गया। तो अभी मैंने एक सी पानी की बोतल लिया 20 का, ये लैक्वाड है, रेली नहीं मिलेगा आपको। अब इसमें आप बहस भी नहीं कर सकते कि मेरे को रेली चाहिए रेली चाहिए, तो क्या है सर, अब फिलहाल बस यही है। अगर मैं इसके स्टॉपिस की बात करूँ तो स्टॉपिस काफ़ी कम है, मैंने बोला था ना एकदम ये दुरंतो का स्लॉट दिया गया था। स्टॉपिस मैं बोलूँगा यहाँ से आसनसोल, धनबाद, पारसनाथ, गया, कोडरमा, इसकी मेरा फेवरेट। उसके बाद फिर सासाराम, सासाराम के बाद मुगलसराय, फिर वाराणसी, फिर सीधा लखनऊ, बीच में सारा स्कीप, फिर सीधा बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिर अम्बाला है, लुधियाना के बाद जलंधर कैंट, फिर ब्यास, उसके बाद फिर अमृतसर। तो भी यही होगा, कॉपी सही बता रहा हूँ, हाथ में गिन सकते हो, इसीलिए इतना कम है। दूसरा, अगर आप अमृतसर मिल लोगे तो बहुत टाइम लगने वाला है उसको, उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा, उसका स्टॉपिस ज़्यादा है। अगर पॉसिबल है तो यही मैं सजेस्ट करूँगा। बस यही है, जनरल का सफर अच्छा हो यही उम्मीद करते हैं। आज के साथ निकल चुके हैं, वैसे आज शिवरात्रि है, तो काफ़ी देखो एक ये इशू है यार, बैग साउंड इतना ज़्यादा होता है ना कि आपको जोर जोर से बोलना पड़ेगा, ऊपर से जरूरी नहीं, हर समय लोग को आपको जनरल के पास ही मिलेगा। जैसे कि आपको मालूम है शिवरात्रि है तो पूरा हर जगह गाना बज रहा है, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, और ये जो इतना दाग हो रहा है ना यार, इसलिए पहना और सकल मचा रहा है यार, इसलिए मेरे को याद है, इससे मांगे अमीर है ये। चलो सर यही है सर, यहाँ पे सब एंजॉय चलता रहता है, अच्छा लगता है। क्रॉल कर रहे हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट एक घंटा लेट है, ऐसा नहीं है कि गाड़ी हमेशा एक घंटा लेट चलता है, आज इसका किस्मत खराब है इसलिए इतना लेट हो रहा है। अदरवाइज गाड़ी का प्राइसिंग बहुत अच्छा रहता है, आज पहला वे में सर इसलिए ऐसा हो रहा है, एक्सक्यूज नहीं दे रहे यार, बहुत घंटा कंट्रोलिंग था इसलिए बता रहा हूँ।
मशरूम कुछ ऐसा है भाई, ये लॉक है यहाँ पे, आप जान ही रहो। एक टाइप है लिक्विड सोप का जगह पर, इसमें लिक्विड सोप नहीं है, ये छोटा सा मिरर है। रेज्यू में क्या हुआ करता था, स्टार्टिंग में बहुत बड़ा मिरर लगता था, अभी छोटा सा लगा था ऐसे। और पानी तो आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए, एटलीस्ट प्लस हो रहा है, पर बहुत कम है। तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा, आप भी प्रयास कीजिए। रेलवे तो जो कर रहा है सो कर रहा है, पर अपना भी काम बनता है कि साफ सुथरा रखें। तो भैया आसनसोल आ गए एकदम, गाड़ी लेट है सर। हाँ यार, ऑन टाइम बोलना चाह रहे थे, लेट हो गया, कोई बात नहीं, अच्छा रन था, इसलिए बता रहा हूँ। भीड़ है देखो, कितने लोग उठेंगे सर, तो सारे लोग उसी में उठेंगे। आइए आइए आइए, आ जाओ अपने सीट पे आ जाओ। भयानक भीड़ है सर, भयानक। तो अपन यही बैठते हैं आराम है, पानी पीसने, क्या बात है, बिस्लेरी मिल गया। रखो सर, बस यही है आसनसोल, 2:50 का टाइम था, 2:52 पे डिपार्चर था। हम लोग यहाँ पे कम से कम बोल सकते हो आप यहाँ 3:15 पे आ रहे हैं सर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो गाड़ी 25 मिनट के आसपास डिले है। पर सही बता रहा हूँ, मज़ा आ गया, जितना तक अभी रन हुआ प्रायोरिटी एकदम टॉप नॉच का था। जो कोलकाता जम्मू तभी को ओवरटेक किया वो लेवल था यार, मज़ा आ गया इसलिए। कितने का सोन पापड़ी भैया दिए तो, एक तो भैया चना दीजिए ना, तीन जगह दीजिए, 100 का खुला होगा, 100 का सिग्नल हो गया, सिग्नल हो गया, हाँ उतर जाइए, चलिए चलो जी, चलिए कोई बात नहीं, चलो भाई सिग्नल हो गया, इसी में जितना हुआ यही मिला, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। हाँ अगर ये गाड़ी ऑन टाइम रहता है तो यहाँ पे काफ़ी टाइम खड़ा रहता है, ऑलमोस्ट 10 मिनट पहले आप बोल सकते हो आ जाएगा, क्योंकि स्लैक है। सोन पापड़ी खाएंगे, गुलम चिप्स खाना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं खाने दो यार, भूख सबको लगा है, लिटरली मेरे को भी बहुत भयानक भूख लगा है। वैसे मैंने इसका जो टिकट लिया सासाराम तक का 200 रुपये लगा। टाइमिंग देखो 12 बजे खुल रही है, 12:10 पे, अब मैं 7:30 बजे तक सासाराम।
ये वाला बढ़िया। धनबाद में आपका स्वागत है यार। 3:55 का टाइम था और आपको यहाँ से 4 बजे का डिपार्चर था। हम लोग यहाँ 11 मिनट डिले पर रन अच्छा काफ़ी बढ़िया था। जनरल का एक्सपीरियंस ही बताऊँ तो अभी तक अच्छा है क्योंकि साफ़ है प्लस खाली है। इस तरफ में जाओ तो भीड़ है। ये देखो बोला ना, ये लग रहा है ना जनरल में आप ट्रैवल करो, गेट पूरा जाम है। हम थोड़ा सा मैं मतलब मेरे को आदत नहीं है यार, कोई आता है तो बात कर लेता हूँ, फिर कैमरा में रिकॉर्ड ही नहीं करता हूँ, निकल लेता हूँ यहाँ से। तो चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आसन सोच से आप हैं ITI के लिए आए हैं सर धनबाद पर? बस यही है अभी फिलहाल, DHN कोर्ट था। देखो कब तक गाड़ी निकलता है, 5 मिनट का ही हॉल्ट है। LP साहब फट से चेंज होंगे और निकल लेंगे यहाँ से। चलो यार, इसी के भाई आए थे, मतलब मेरे को लगा कि मेरे पास ही आ रहे, पर ठीक है। चलो, उनका ब्लैक डायमंड था, हम लोग भी ब्लैक डायमंड लेते हैं, पर टिकट कन्फर्म हो गया यार चंबल का, इसीलिए यहाँ पर जाएँगे। आगे कोडरमा स्किप लेंगे, रफीगंज बहुत सारा है, तो उसका अलग मज़ा है, उसका एक अलग ही क्रेज़ है मेरा। और एक बात, इसमें पेंट्री कार्ड नहीं है, खाने को कुछ नहीं मिलने वाला, जो वेंडर्स लेके उठेंगे तो ही मिलेगा, अदरवाइज भूल जाओ। एक स्प्राइट दे दीजिए, एक हाइड एंड सीक दे दीजिए, यही वाला दे दीजिए। कितना हो गया? 105। शुक्रिया। टॉकिंग सुनो, धन्यवाद के लिए। तो KCR में आ चुका है, यानी झारखंड में आपका स्वागत है सर। इसी ऐसे में मतलब समझो, झारखंड में आपका स्वागत है। ऋषिकेश के पास बहुत बहुत शुक्रिया भाई आने के लिए, ये अच्छा लगा। देखो तो आते हो यार, डायरेक्ट मिल लो, मैं भले पहचानने में भूल कर सकता हूँ, पर आप पहचान रहे हो, आ जाओ यार। मेरे को आइडिया बिल्कुल नहीं है कैसे बिहेव करना चाहिए कोई आ रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, पर ठीक है, अप्रोच करो भाई, मैं ही कहूँगा। तो इस तरफ में सर, मैं यहीं पे स्टोरी अपलोड करता हूँ, फॉलो वॉलो करने को नहीं बोल रहा हूँ, आप चेक करते रहो या जो मना करो सर, यहाँ पे मैं बताता हूँ, बस दैट्स इट। और इसमें YouTube का, इसमें स्टोरीज अगर ओपन हो गया तो उसमें भी शुरुआत कर देंगे, अगर ओपन हो गया तो ज़रूर करूँगा। यार अभी अपना वो वीडियो देख रहा था, जस्ट चेक कर रहा था, एक चीज़ मैंने नोटिस किया, मैंने फ्रेम गलत लिया था यार। मतलब वो भाई साहब ऋषिकेश जो था एकदम मतलब क्लोज था भाई, फिर भी ये भाई लिया नहीं, मैंने फ्रंट स्क्रीन ऑन नहीं किया था, भूल हो गया, मैं देख रहा था वो इस तरफ से उसको। तो भाई अगर देख रहे हो तो सॉरी यार, मतलब बिल्कुल आइडिया नहीं था ऐसा फ्रेम हुआ होगा। पारसनाथ आ गए भाई, TNME कोड है यहाँ पे, और गाड़ी का यहाँ पे ठहरा सिर्फ 2 मिनट का, काफ़ी अच्छा है। मतलब अभी तक का रन जो है अच्छा है, यहाँ पे 10 मिनट लेट है, सच बता रहा हूँ। 4:37 पर अरेवल था, 4:39 पर डिपार्चर है, हम लोगों को बताया था। और यहाँ जैन जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जगह, एज ए स्टॉपिस देखो और एज ए टूरिस्ट देखो तो काफ़ी बढ़िया है। बस मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मन नहीं कर रहा यार, क्योंकि इतना क्राउड है ऊपर से, इधर तो कम है सच बताऊँ, जनरल में ऐसा क्राउड नहीं होता, इतना सारा काम मिलता है। चलो अभी तक का फिलहाल एक्सपीरियंस साफ सुथरा ही है। OBHS 2 बार आया था, मेरे को अच्छा लगा, एटलीस्ट जनरल में OBHS तो आ रहा है। ऑनेस्टली बोलूँगा भाई, तो अभी ये बंगाल जैसा तो नहीं है, पर अच्छा है, खराब नहीं बोल सकता।
आओ जल्दी आओ, एक मिनट रुकिए मालिक, पाँच मिनट रुका, कहाँ हड़बड़ा रहे यार, सर की गलती तो नहीं की है? चलो सर गया आ गया भाई, भीड़ देखो यार, भीड़ देख रहे हो भाई साहब, पूरा बुकिंग यहाँ से यार। 6:38 पे अराइवल था, 6:43 पे डिपार्चर था। बस भाई यहाँ से 5 मिनट बाद गाड़ी निकल जाएगा, गया का स्टेशन कोड भी गया है और यहाँ रोशनी आ रहा है, अब अच्छा लग रहा है। बाकी ओवरऑल बोलूँ बढ़िया रन था, भीड़ देखे अब लग रहा है ना आप जनरल में ट्रैवल कर रहे हो यार, इतना जैसे फाका फाका था। इसका आधा बुकिंग यहीं से है ऑलमोस्ट बोल सकते हो आप, फाका था पूरा। अब जो बुकिंग हुआ और वो देखो भाई साहब, शिवरात्रि पे क्या बढ़िया सजाया है, यहाँ संघर्ष किया जाए सीट के लिए। चलो सर, गुलाम सर कैसा लग रहा है? अब लग रहा है जनरल में, अब लग रहा है आप जनरल में ट्रैवल कर रहे हो। हाँ एक ये तो इशू मैं नोटिस किया हूँ, ठीक है यार, रिजर्वेशन है सीट मिला, पर जिसके पास टिकट नहीं मिला वो कहाँ जाएगा भाई, सोचने वाला बात है। वैसे अगर आप इसमें ट्रैवल कर रहे हो बिना टिकट बुक के तो 250 रुपये टीडी साहब फाइन लगाएंगे, उसके बाद इसका भाड़ा लेंगे, तो ये भी एक लफड़ा सरकार धीरे धीरे चालू कर रहा है रिजर्व जनरल वाला काम, कब तक करेगा मालूम नहीं। बस करना चाहिए सर, बंदे कितना परेशान कर रही है, कर रही है, थोड़ा टाइम दीजिए, धीरे धीरे एक एक करके कर रहा है। भैया जो भी बोला एलपी साहब, अब हॉन्किंग मारा तरह एक नंबर, मतलब फील आ जाइए, अब लगातार ना लाइट पाइप पूरा भर गया बैटरी। हाँ एक बात है, कोलकाता से तो पूरा फाका था, आसनसोल से भी ठीक ठाक पैसेंजर होता, धनबाद से एकदम थोड़ा बहुत टुक ढाक टुक ढाक, गया से पूरा एकदम भर गया भाई साहब, पूरा का पूरा एकदम अच्छा खासा जगह नहीं है आपको, हाँ कोई बच्चा होगा तो आदमी भी सब बैठ गया। राखी आ गए हैं 106, क्या बढ़िया रन हो रहा है भाई साहब, मगर जो भी बोलो आगे आगे रहने का जो मजा हॉन्किंग का है ना, ये राखी में यार कितना कम लाइट, थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन हो गया था मेरे को, लगा राखी में बड़ा स्टेशन है तो मजा आएगा, तो ठीक है यार कोई खराब बात नहीं। तो भाई साहब यही है, और यहाँ देखो सर 7 लोग एक सीट पे, अरे सर आप एसी मत बढ़ाइए, आप जनरल और स्लीपर बढ़ाइए, आम जनता के पास इतना पैसा नहीं है कि आदमी एसी में ट्रैवल करेगा, क्या बोलूँ सर, ये अमीर आदमी है ना, फर्स्ट एसी में ट्रैवल करता है, अपने भी जाता है, हमको भी ले आता है, भाई साहब को भी ले आता है, बड़े पीपल कहा मालिक जनरल में हम जा रहे हैं, मालिक जनरल में जाते रहे हम निकालते। संघर्ष करेंगे, कूद फान के निकलना है, उतर में भैया रुक जाए, हो गए कूद गए नहीं, आ जा भैया, उतर गया भैया, उतर गया 7:41 का टाइम था यार, इतना अंधेरा अब इधर थोड़ा सा रोशनी आ रहा है, 7:41 का टाइम था, 7:43 पे डिपार्चर है, एकदम फट से उतरे, अब लोग चढ़ रहे हैं, चढ़ने देते हैं भाई, भयानक बुकिंग है इसका, भयानक एक नंबर बुकिंग है, इतना ज़्यादा बुकिंग है ना यहाँ से इसका, ये सही बताएं ये कोलकाता से ज़्यादा इस तरफ के लिए बम बम गाड़ी है, ऑफकोर्स होना चाहिए यार, अमृतसर के लिए ज़्यादा गाड़ी है नहीं, मेरे को लगता है कि इसका जो बोलते हैं ना, इसका जो बढ़ाना चाहिए फ्रीक्वेंसी, सप्ताह में 2 दिन से अटैक है,
चार दिन हो जाए तो और बेस्ट है लोग के लिए, डेली तो हो नहीं सकता है मैं जानता हूँ। और अब ये भाई साहब सीधा उस ट्रैक पे जाके 130 को एक बात तो मैं मानूंगा भाई, धनबाद के एलपी साहब लोग एक नंबर है, सब हॉन्किंग मार रहे, जो मिल रहा है वो मार रहे, इसमें वाइंडिंग भी मारे, इसमें भोदा भी मारे, इसमें हैंगरी भी मारे, इसमें शोर भी मार दिया, सोचो सर एक्सपीरियंस है उन लोगों का। बस गाड़ी खुल गया, D3 है, पूरा पैक है बॉस, पूरा पैक एकदम। देखो ये स्लीपर का हाल है, स्लीपर भी ऑलमोस्ट भरा, जबकि ये पहला रन है, लोग को जैसे मालूम पड़ा ट्रेन है मारो इसी से निकलो, सिंपल सा फंडा है। वैसे भी सबको मालूम था एक माह से बुकिंग स्टार्ट हो चुका है तो सब निकल गया। तो आज 53 ईयर्स हो गया ना अवरा रजानी का, 53 ईयर्स हो गया था, हैप्पी बर्थडे अवरा रजानी। चलो बाहर जाके व्लॉग एंड करते हैं, इसको निकलने देते हैं। ये जब स्टार्ट में चला था, मैं क्यों बता रहा हूँ जरूरी आपको जानना, उस समय सिर्फ 4 एसी था सोचो, तो ये भाई साहब का उस समय 11 के आसपास स्लीपर होगा, तो अब भी यार एसी बढ़ा के स्लीपर कम कर रहे हैं, तो यार थोड़ा सा सोचो जनरल में कैसे लोग कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। आप इसमें ट्रैवल करो, एक छोटा सा टिप दे रहा हूँ, इसका टिकट आप अम्बाला तक मारिएगा तो आपको जनरल वेटिंग लिस्ट मिलेगा। अगर आप लखनऊ जा रहे हो तो थोड़ा सा पैसा लगेगा, एटलीस्ट तत्काल से तो कम लगेगा, तत्काल में 300 देना पड़ेगा आपको, एसी का बता रहा हूँ मैं। थोड़ा कंफ्यूज था, इसका जनरल के लिए आपको देना पड़ेगा 450 रुपये, ये मैं बता रहा हूँ एकदम अप्रॉक्स फेयर जो आपको टिकट काउंटर से पड़ेगा। हाँ, मगर टिकट काउंटर से रिजर्वेशन में जाके आपको करना पड़ेगा, अभी तक इसमें जनरल की सुविधा चालू नहीं हुई है, तो आप जनरल टिकट लेके ट्रैवल मत करना, नहीं तो आपको 250 रुपये का फाइन लगा देंगे, एकदम गारंटी दे रहा हूँ बॉस। तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करना, टिकट कर लो बेस्ट रहेगा। चलो भाई एंड करते हैं जर्नी। सो विद दैट इट बॉस, इफ यू लव दिस व्लॉग डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। एज ऑलवेज शुक्रान अलविदा मासल मामा, टेक केयर एंड डू व्हाट एवर यू वांट, माई लव यू फ्रेंड, जस्ट डू इट। निखिल भाई का नाम बोलता हूँ, मजा आता है। ये कितना नॉइज किया था भाई, पूरा वॉइस का धजिया उड़ा दिया होगा सर। क्या बोलूं यार, अब कहाँ बैठे वही सोच रहे, इसे तो मन ही नहीं कर रहा आगे जाने का, मन तो कर रहा आसनसोल उतर के भागा घर।